परमेश्वर ने दुनिया को और उसमें जो हर एक चीज़ है उसको बनाया है, और इसलिए उनके पास वो ताकत है कि वो चीज़ों को, समय को, हालातों को बदल सकते हैं। इंसानों की नज़रों में शायद ये चीज़ें नामुमकिन हों, पर ये इसलिए है क्योंकि इंसानों को भी बनाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर के लिए हर एक चीज़ मुमकिन है। ऐसा ही कुछ मूसा और परमेश्वर के लोगों के साथ हुआ। मिस्र देश के राजा ने परमेश्वर के लोगों को छोड़ने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से परमेश्वर मिस्र देश के लोगों और जानवरों पर अलग अलग तरह की विपत्ति लाए। राजा फिर भी नहीं माना, जब तक कि एक और विपत्ति की वजह से उसके खुद के पहलौटे की मौत नहीं हुई, और तब राजा को समझ में आया कि परमेश्वर कितना ताकतवर है, और अपने बेटे के मरने की दुख की वजह से उसने परमेश्वर के लोगों को छोड़ने का फैसला लिया, और मूसा और हारून को बोला कि वो परमेश्वर के लोगों को लेकर जा सकते हैं, और जब वो जाएं तो परमेश्वर से उसके लिए भी प्रार्थना करें। मूसा और हारून फिर परमेश्वर के सारे लोगों को मिस्र देश से लेकर निकल पड़े, और परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र के रास्ते से लेकर गए, क्योंकि अगर दूसरे रास्ते से जाते तो वहाँ के लोग उन पर हमला करते, और शायद उसकी वजह से परमेश्वर के लोग डरकर वापस मिस्र देश भाग जाते। अब परमेश्वर दिन में बादल के रूप में उनके आगे आगे चले, और रात में आग के खंभे की तरह, ताकि उन्हें सही दिशा दिखा सके। दूसरी तरफ मिस्र देश में जब राजा ने परमेश्वर के लोगों को छोड़ दिया, तो वो और उसके मंत्रियों ने अपना मन बदल लिया और एक दूसरे से कहने लगे कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को क्यों छोड़ा। तब राजा ने फैसला लिया और अपनी सेना को लेकर परमेश्वर के लोगों के पीछे गए, ताकि वो उन सब को मार डाल सके और अपने बेटे की मौत का बदला उन लोगों से ले सके। राजा को अपनी सेना की तरफ आते देख परमेश्वर के लोग डर गए और मूसा पर दोष लगाने लगे। लोगों की बातों से परेशान होकर मूसा ने परमेश्वर की मदद मांगी, और परमेश्वर ने उसे बताया कि वो अपनी लाठी लेकर समुद्र की तरफ उठाए, जिससे कि समुद्र का पानी दो भाग में बट जाए और समुद्र के बीच में चलने के लिए जमीन निकल सके, ताकि वो और परमेश्वर के लोग उस रास्ते में से चलकर उस समुद्र को पार कर सके। परमेश्वर की बात मानते हुए मूसा ने अपनी लाठी ली और समुद्र की तरफ उठाई और परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया, जिसकी वजह से उसके बीच में से चलने के लिए रास्ता निकला, और तुरंत मूसा और परमेश्वर के लोग उस रास्ते से होते हुए भागे, ताकि राजा और उनकी सेना से बच सके। जो आग का खंभा उनके आगे चल रहा था वो उनके पीछे हो गया, ताकि वो राजा और उसकी सेना को रोक सके। और जैसे ही परमेश्वर के सब लोगों ने वो रास्ता पार कर लिया, वैसे ही आग का वो खंभा राजा के रास्ते से हट गया, और फिर राजा और उसकी सेना भी उस रास्ते से होते हुए उनके पीछे भागे, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को वापस मिला दिया, जिसकी वजह से राजा और उसकी सेना सब समुद्र के पानी में डूब कर मर गए। और परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा के लिए मिस्र देश के राजा से बचा लिया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। दुनियावी तौर से अगर हम देखें तो परमेश्वर के लोगों का राजा से बचना मुमकिन नहीं था। ना केवल वो उन्हें आराम से पकड़ पाते, पर उन्हें मार भी डालते। लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार दिखाकर समुद्र को दो भाग करके अपने लोगों को बचा लिया। इसलिए हम भी कभी अगर किसी मुसीबत में हो तो घबराए नहीं, बस परमेश्वर से प्रार्थना करें और भरोसा रखें।